भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, हमारे बड़े भाई आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मंच पर उपस्थित सांसद राहुल शेवाले जी, गोपाल शेट्टी जी, अरविंद सावंत जी, मेरे साथी विधायक प्रकाश फातर्पेकर जी, इस विभाग के भारत सरकार के सचिव श्री केडी त्रिपाठी जी, बीपीसीएल के सीएमडी श्री एस वरदराजन जी, यहां उपस्थित सभी ज्येष्ठतम अधिकारीगण और सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय धर्मेंद्र जी का अभिनंदन भी करना चाहता हूं और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। CDU-4 के लोकार्पण के साथ एक नया अध्याय हमारे पेट्रोलियम के सेक्टर में आज इस मुंबई में शुरू हो रहा है। 1976 में बर्मा शेल के रूप में जिसको हमने अधिग्रहित किया और तब से लेकर लगातार राष्ट्र की सेवा में जो रिफाइनरी काम कर रही थी, आज CDU-4 ने नई तकनीक के माध्यम से उसमें पर्यावरण का संवर्धन और जतन करने का और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने का एक नया अध्याय जोड़ा है। निश्चित ही यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां एक और बड़े पैमाने पर हम ऊर्जा बचत करेंगे करीब 128 करोड़ रुपए की, और वहीं हमारी एफिशिएंसी बढ़ाकर हम लोग हमारे प्रोडक्शन में भी इजाफा कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इससे अच्छा और इससे एफिशिएंट दूसरा कोई इनिशिएटिव नहीं हो सकता, और इसलिए निश्चित रूप से आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि एक जमाना था जिस समय हम ये मानते थे कि हमारी सरकारी कंपनियां जो है ये जनता के लिए काम करती है और इसका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, और इसलिए इन कंपनियों के माध्यम से जनता की सेवा होती है। लेकिन वही यह आरोप भी लगा जाता था कि जनता की सेवा तो ये कंपनियां करती है, पर कहीं ना कहीं एफिशिएंसी में हमारी कंपनियां पीछे है। वही दूसरी ओर जो प्राइवेट सेक्टर था उसके बारे में कहा जाता था कि इट इज मोर एफिशिएंट, ये ज्यादा एफिशिएंट है, ये लो कॉस्ट सॉल्यूशंस लाता है, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। लेकिन उस पर ये आरोप लगता था कि एफिशिएंट जरूर है पर ये जनता के लिए एफिशिएंट नहीं है, इसका तो प्रॉफिट मोटिव है और अपने मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा कैसे एनहेंस कर पाए, बढ़ा पाए, इसके पीछे इसकी सारी एफिशिएंसी खर्च होती है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आज जिस प्रकार का इनिशिएटिव धर्मेंद्र जी आपने यहां लिया है, इससे हमारी सरकारी कंपनियों के ऊपर जो जनता का विश्वास है वो और दृढ़ होगा और वृद्धिंगत होगा कि हमारी कंपनियां समाज के लिए तो काम करेगी, जनता के लिए तो काम करेगी, प्रॉफिट ये मोटिव नहीं होगा, लेकिन साथ में जितनी एफिशिएंसी हमको प्राइवेट सेक्टर में दिखाई पड़ती है उतनी ही और कमोबेश उससे ज्यादा एफिशिएंसी हमारी सरकारी कंपनियों में भी हमको दिखेगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज
मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार इस देश में कार्य कर रही है, उस सरकार की अगर एक अलग पहचान, एक पृथक पहचान क्या हो सकती है, तो पृथक पहचान ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी, ये उसकी पृथक पहचान है। और आज के कार्यक्रम से वही हमको यहां पर दिखाई पड़ती है। मैं आज धर्मेंद्र जी का बहुत बहुत आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आज जो अनाउंसमेंट यहां पर की है, महाराष्ट्र इसका स्वागत करता है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी वेस्टर्न कोस्ट पर महाराष्ट्र में तैयार करने का जो उन्होंने एक बीड़ा उठाया है, मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र की प्रगति में एक नया सोपान आज आपने यहां पर जोड़ा है। हमने देखा है कि एक रिफाइनरी जब आती है तो किस प्रकार से वो प्रगति लाती है। आज हमारे कई राज्य हैं, इनके राज्य में गुजरात का भी अगर हम उदाहरण लें तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री, रिफाइनरीज, इसके इर्द गिर्द जिस प्रकार से वहां का उद्योग बुना गया, उसके कारण आज अगर हम देखें तो वहां की सरकार की आमदनी में रिफाइनरी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़े हुए जो अलग अलग उद्योग है उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और साथ ही में रोजगार में भी उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार की क्षमता हमेशा महाराष्ट्र में थी, पर किसी कारणों से महाराष्ट्र थोड़ा उपेक्षित रहा। लेकिन आज मुझे खुशी है कि आदरणीय धर्मेंद्र जी ने यह बीड़ा उठाया और ये जो निवेश महाराष्ट्र में होगा, मुझे पूरा विश्वास है इसके कारण महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को एक गति मिलेगी, रोजगार पैदा होगा। और जिस समय इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इतने कोर सेक्टर में आता है तो उसका जो एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, उससे जो एक विकास की श्रृंखला तैयार होती है, वो निश्चित रूप से आम आदमी को अधिकारिता प्राप्त कर देती है। और इसलिए एक बहुत अहम फैसला आज धर्मेंद्र जी आपने लिया है, और इसलिए आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और महाराष्ट्र की सरकार की ओर से मैं आपको आश्वस्त करता हूं, क्योंकि आप तो निवेश करेंगे, आप सारे प्लान तैयार करेंगे, लेकिन हमारी सरकार की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि इसमें जो सहूलियत है जमीन के बारे में, क्लियरेंसेस के बारे में, उसकी जिम्मेदारी तो हमारी सरकार की बनेगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं जल्दी ही हमारे कोस्टल एरिया के सारे लोगों को हम साथ में बैठाएंगे और एक ऐसा लोकेशन आपके लिए हम लोग उसमें निश्चित करेंगे जिसमें हम निवेश जो है वो जल्दी से जल्दी कर पाए, हैसल फ्री कर पाए, इस प्रकार की जगह हम निश्चित रूप से चुनकर। और चूंकि आपने 2017 में काम करने का जिम्मा लिया है तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती है, क्योंकि अगर हम आपको निश्चित समय में इसकी भूमि और लोकेशन अगर नहीं दे तो शायद आप तो तैयारी कर लेंगे लेकिन ठीकरा हमारे सिर फूटेगा। और इसलिए महाराष्ट्र इसमें बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा, महाराष्ट्र ये सारी चीजें तुरंत मुहैया करा देगा। वैसे भी धर्मेंद्र जी के साथ काम करने का मेरा अनुभव बहुत प्रदीर्घ है। वे जिस समय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके उपाध्यक्ष के रूप में मैं काम करता था, और मैंने ये देखा है कि जमीन से जुड़ा हुआ कार्य और इनोवेशन, हर चीज में कोई नयापन होना चाहिए, एक नई दृष्टि देनी चाहिए, और एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, लेकिन कई बार आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो होता है ये हवा में होता है, उस आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को जमीन पर वास्तविकता में सामान्य आदमी के लिए किस प्रकार से लाया जा सकता है, ये धर्मेंद्र जी से हमने सीखा है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि उनके मजबूत कंधों पर जो जिम्मेदारी आदरणीय मोदी जी ने दी है, हमारे देश की आज आवश्यकता जो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की है, और जिसका उन्होंने भी जिक्र किया है कि मेनी फोल्ड कम से कम 3 गुना 2050 तक हमारी आवश्यकताएं बढ़ने वाली है, तो विकास के इस दौर में उनके जैसे मंत्री को यह जिम्मेवारी मिलना, मैं ऐसा मानता हूं निश्चित भारत को विकास के
पथ पर वो ले जाएंगे, तेजी से ले जाएंगे और इसमें महाराष्ट्र उनका साथी होगा। इतना ही मैं आज के इस मौके पर कहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, खासकर त्रिपाठी जी को और वरदराजन जी को जिनके नेतृत्व में ये सारा कार्य यहाँ पर खड़ा हुआ है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।